हाँ भाई, वन टाइम पब्लिक, व्हाट्सअप भाई। आ गया नया गाना एमिवे, जल्लाद, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मैं बार बार एमिवे के जितने गाने आते हैं वो देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं, आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स, आई एम लाइक द बिगेस्ट फैन दैट आई कैन, यू नो, दैट आई नो ऑफ एमिवे। सो लेट्स गो एंड चेक आउट हिज सॉन्ग कॉल्ड जल्लाद। फ्लैम बॉय, ही वर्क्स अ लॉट विद फ्लैम बॉय। हाँ, ये गाना सारे मर्दों के लिए, जो जो परेशान है उनके लिए सुनो। ए, कभी मिलने को आओ, कभी मिलने को जाओ, कभी मन करे उसका तो छत पे चढ़ाओ, जो मांगेगी दूसरे दिन फट से दिलाओ, कभी दाढ़ी बढ़ाओ, कभी मुच्छे उड़ाओ। आओ, कितना डिमांडिंग का, करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, नहीं किया पड़ता है सर पे, टाइम पे पहुंच जाना घर पे, दूसरी बंदियों से नहीं मिलना, मुझसे डर के रहो, मर के रहो, पैरों पे मेरे, तू बाजू मेरे, तू चेहरे पे मेरे, हंसी है खुशी है, तू चंद्रमुखी है, अच्छे से रह रहा हूँ, फिर काय को दुखी है जल्लाद। अच्छा, सही। मैं खोया हूँ दुनिया में तेरी ही पहलू में, प्यार के मामले में कितना कुछ कह लूं, मैं धोखा दिया जिसने बनाया बैलून, धोखा दिया मुझे बैलून, 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 I think in a way this song is feminist. That's दिस सॉन्ग वॉज फेमिनिस्ट। आई ट्रूली बिलीव दैट दिस सॉन्ग वॉज सुपर फेमिनिस्ट। लोग कहेंगे कि कैसे फेमिनिस्ट, कैसे ये तो बुराई कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड की, यू नो, जिसके उसमें फंसा हुआ है, और तो सिर्फ, यू नो, ही इज टॉकिंग ट्रैश अबाउट, यू नो, हाउ वेमेन आर, हाउ गर्लफ्रेंड्स आर। नहीं, नॉट रियली, यू नो, द हुक, धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, दैट्स एम्पावरिंग स्टफ आई फील लाइक। सेज कि हाँ भाई, औरत में इतनी पावर है कि वो मुझे धोखा दे सकती है, बेवकूफ बना सकती है, यू नो। सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं होता कि मर्द ही धोखा देते हैं, यू नो, गोज बोथ वेज। सो I think it's a feminist song. I believe in that. I'm not saying गाने का मकसद फेमिनिज्म है, मैं कह रहा हूँ अगर इस गाने को कोई पूछे कि क्या ये गाना फेमिनिज्म के प्रो है या एंटा है, मैं बोलूंगा प्रो है। This is pro feminism. Yeah, it wasn't a typical MV Bantai song. I understand. I get it. It's you know, he's doing different stuff. And I said it. मैंने पहले ही कह दिया था कि he will do stuff that we might not even, you know, see it as our type. हमारी type का ही ना हो शायद stuff. But still, you have to appreciate the art and the talent that he puts behind it, right? Yeah, this wasn't his most high energy song. This wasn't a banger the way he sends out bangers. Like fuck, every next song is a banger, right? So, you know, like. Out of Sampark tha jaise, all the tracks from the battle,
जैसे सो या दिस वॉज इन द सेम कैटेगरी, थोड़ा सा अलग सीन था इसका, बट इट वॉज गुड यू नो इन इट्स ओन राइट. सो आई डोंट, आई एम नॉट गोना टॉक ट्रैश अबाउट समथिंग दैट आई, इट्स नॉट माई टाइप, तो मैं उसकी बुराई करना शुरू हो जाऊँ. दैट्स नॉट व्हाट अ ट्रू फैन इज ऑनेस्टली. कि अगर यू नो मुझे कोई, मैं किसी चीज़ का फैन हूँ या किसी बंदे का फैन हूँ, तो मैं एक बुरी चीज़ को देख के ये नहीं कह सकता कि यार फक दिस गाय, यू नो दैट वॉज बैड या ही सक्स. यू नो इफ यू आर अ फैन यू हैव टू सपोर्ट regardless of what. So I think I am still on the bandwagon, and I think I am driving that bandwagon, and I will keep driving that bandwagon until it crashes. Jisko rehna hai us pe rahe, jisko nahi rehna hai us pe na rahe. But yeah, that's my opinion. I think it was a good song. I think, you know, Banta is still fucking rocks. Yeah, thank you for watching, everybody. I hope you guys enjoyed watching this song. I don't know how regular fans enjoyed this song. Let me know in the comment section how you enjoyed his song. Ye song thoda alag tha baki songs se, not as high energy. You know, it was good. It was typical MAA style, theek hai. But it wasn't a banger. So let me know how you felt about that song. Leave it in the comments below. I'll check them out. And yeah, follow me on Instagram for @photofrontfaruk. Tweet me @PakistaniReacts. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shab khair.